नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। मिशन शक्ति अभियान के तहत एमजी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। पूरा मामला महात्मा गांधी बालिका विद्यालय का है, जहां पर एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा, सीओ सिटी कमलेश कुमार के नेतृत्व में जागरूक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को बताया गया कि 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1098 101 वही डायल 112 की सहायता से वह किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में छात्राएं टोल फ्री नंबर का प्रयोग कर पुलिस से मदद मांग सकती हैं। इस कार्यक्रम में पुलिस महिला अधिकारियों ने भी छात्राओं को जागरूक करने का पूरा प्रयास किया। रिपोर्ट ऋषि पंडित। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की, ठीक है ना। एक देखिए, मूवी देखते हैं, सारे लोग देखते होंगे, नई नई मूवी आती है, बहुत सी मूवीज ऐसी होती है जो हमें बहुत कुछ सिखा रही है। अक्षय कुमार की कठपुतली देखी है, कितने लोगों ने देखी है। उस मूवी से आपको क्या ज्ञान मिला बताएं, कोई सीख मिली है? देखिए मैं बताती हूँ, उस मूवी को ना हर लड़की देखेगी। उस मूवी में क्या है, एक सीरियल किलर होता है, लड़कियों को कॉलेज में एक म्यूजिक शो ऑर्गेनाइज करते हैं, उस शो से लड़की को सेलेक्ट करता है, वहां से लड़की को ले जाता है और फिर मर्डर कर देता है, ठीक है ना। लास्ट वाली जो लड़की होती है, जब वो पूरी जो टीम होती है पुलिस की, उसने ट्रैक कर लिया होता है कि हाँ ये ही एक सीरियल किलर है, उसका ये तरीका है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है उसकी अपराध की, तो बाद में उसको ट्रैक कर लिया जाता है, पता चल जाता है कि म्यूजिक शो के बाद में इस तरीके की जो है क्राइम हो रहा है। लास्ट में अक्षय कुमार जो होता है वो जाता है वहां पे, सिर्फ पांच मिनट लेता है, वो उन लड़कियों को 5 मिनट में मोटिवेट करता है, और उस 5 मिनट के मोटिवेशन में वो लास्ट वाली जो लड़की होती है उसके ऊपर ना ही कोई वेपन होता है अपनी सुरक्षा के लिए, कुछ भी नहीं, बट क्या है, उसने अपने डर को दूर किया, उसने बराबर फाइट की, उसके पास कोई हथियार नहीं था, मोबाइल था, कंटिन्यू सिग्नल नहीं आ रहे थे, फिर भी उसने मतलब पूरा प्रयास किया और लास्ट में उसकी जान बच गई, ठीक है ना। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, देखिए हेल्पलाइन नंबर कुछ नहीं करेंगे जब तक आप अपना डर नहीं दूर करेंगे, अपनी झिझक दूर नहीं करेंगे। और हर महिला को ये सोचना होगा कि ना ही अपने प्रति किसी अपराध को बर्दाश्त करेंगी, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगी अपने प्रति, और ना ही कोई महिला किसी अन्य महिला के प्रति कोई अपराध या कोई गलत बात को बर्दाश्त करेगी। ये हमें सीखना पड़ेगा, अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी, ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर नहीं, अब कोई फंस जाता है तो जरूरी नहीं कि हम निकल जा रहे हैं, हमारी किसी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, हम चुप हैं, तो चुप्पी भी अपराध को बढ़ावा देगी, है ना। समाज में सभी को जागरूक होगा, सभी का सहयोग करना होगा सभी को, तभी हम क्राइम को रोक पाएंगे। और शायद ये जो हमारी मीटिंग्स हैं, इसीलिए मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं, आप हेल्पलाइन नंबर आपको बार बार बताएंगे, उससे कुछ नहीं होगा, आपको गूगल में मिल जाएगा सब, मगर हमारा मीटिंग में यहाँ आने का यही एक उद्देश्य है कि हम आपसे मिलें बार बार, आपकी झिझक दूर हो और आप हमें अपनी कोई समस्या है वो बताएं, ठीक है, हम आपको और अच्छा क्राइम को रोक सकें। सामुदायिक पहुंच से ये सुरक्षा का जो अभियान जो चला था हमारा, उसका भी यही उद्देश्य था। महिला सुरक्षा और सामुदायिक पहल अंतर्गत आज एमबी कॉलेज और इंटर कॉलेज में आज बालिकाओं के साथ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला सुरक्षा संबंधी उपायों तथा पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर्स तथा उनके लिए उनकी सुरक्षा के लिए बने हुए कानून के बारे में विधिवत उन्हें बताया गया। साथ ही साथ छात्राओं को भी एक अवसर दिया गया कि पुलिस के बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं और क्या पुलिस से अपेक्षा रखती हैं। यहाँ की छात्राओं ने हम लोगों से कुछ अपेक्षाएँ अपनी बताई हैं, कुछ समस्याएँ बताई हैं, उन पर हम काम करेंगे, निश्चित रूप से उसका एक अच्छा परिणाम होगा और एक जो फिरोजाबाद जनपद है एक सुरक्षित जनपद के रूप में विकसित होगा। आज एमडी कॉलेज के जो सचिव महोदय हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम हैं, उन्होंने हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हमने अपनी बात उन लोगों से कही, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा। और इस तरह के जो कार्यक्रम है आगे भी हम लोग चालू रखेंगे तथा इस तरह का जो भी कार्यक्रम है, हमारी जो महिला टीम है गाँव में मोहल्लों में जाकर सभी को जागरूक भी करती रहेगी। सर वही क्या रही है और अच्छा भी लग रहा है जिस तरीके से सभी करते हैं, इस पर आकर के बता भी रही है कि हमें ऐसे
देखिए ये कार्यक्रम की मंशा भी यही है कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, खुलकर आगे आएं और मंच पर अपनी बात को कहें, साथ ही साथ तो कोई उनको हिचक न रहे, उनकी जो भी पीड़ा है, जो भी समस्या है खुलकर बताएं। हम लोगों का प्रयास तभी सार्थक होगा जब उनके अंदर का जो झिझक है, उनके अंदर जो संकोच है वो त्याग देंगे, और इसीलिए सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके सुखद और अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा वातावरण भी